हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो इस पूरी प्लेलिस्ट के लिए होल एंड सोल है। ये एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी है इस पूरी प्लेलिस्ट के लिए। तो प्लीज गाइस, डू फोकस ऑन दिस वीडियो एंड गिव योर मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, सो इसका नाम है गेम ऑफ लाइफ। ये गेम है एक्चुअली, तो हर एक गेम के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हम उसके रूल्स देखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो इसके रूल्स देखते हैं। इसका पहला रूल है, द नेबर ऑफ अ गिवन सेल आर 8 सेल्स दैट टच इट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगनली। मान लीजिए कि एक टेबल है हमारे पास में, और उसी टेबल के अंदर हम एक सेल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो हर एक सेल के पास में 8 नेबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर एक सेल के पास में, वो चाहे से कोई भी सेल हो, हर एक सेल के पास में 8 नेबर है। ठीक है, अगर हम आउटर सेल को छोड़कर बात करें, अगर हम इन सेल्स को छोड़कर बात करें, तो जितनी भी सेल्स हैं उन सभी के पास में 8 नेबर्स हैं। चाहे से इस पर्टिकुलर सेल के पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, इसके हर एक सेल के पास में 8 नेबर होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड लॉ कहता है कि इफ अ सेल इज अलाइव बट आइदर हैज नो नेबरिंग सेल्स अलाइव और ओनली वन अलाइव, देन इन द नेक्स्ट जनरेशन द सेल डाइज ऑफ लोनलीनेस। तो कह रहा है कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर, अगर केवल एक सेल अलाइव है और उसका कोई भी नेबर अलाइव नहीं है। मान लीजिए कि अलाइव सेल को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेड सेल को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर पहली जनरेशन के अंदर एक सेल अलाइव है और उसके कोई भी नेबर अलाइव नहीं है, तो अगली जनरेशन के अंदर ये जो सेल है ये भी मर जाएगा, डेड हो जाएगा। या फिर कोई एक सेल अलाइव है, केवल सिर्फ एक है, तो ये अगली जनरेशन के अंदर ये पर्टिकुलर सेल डेड हो जाएगा, ये अलाइव नहीं रहेगा। ठीक है, फिर है तीसरा लॉ। तीसरा लूप रूल कहता है कि इफ अ सेल इज अलाइव, अगर एक सेल अलाइव है एंड हैज 4 और मोर नेबरिंग सेल्स ऑल्सो अलाइव। मान लीजिए कि एक सेल अलाइव है और उसके 4 या 4 से ज्यादा, 4 ही ले लेते हैं एक बार, तो 1, 2, 3, 4, 4 नेबरिंग सेल अलाइव है या फिर 4 से ज्यादा अलाइव सेल की संख्या इस पर्टिकुलर जनरेशन में, इस पर्टिकुलर सेल के लिए अगर इससे ज्यादा है, तो हम अगली जनरेशन के अंदर ये पर्टिकुलर सेल मर जाएगा, डेड हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा? ये कह रहा है कि देन इन द नेक्स्ट जनरेशन द सेल डाइज ऑफ ओवरक्राउडिंग, तो वो ओवरक्राउडिंग की वजह से मर जाएगा। ठीक है, फिर आपका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल कहता है कि अस लिविंग सेल विद आइदर 2 और 3 लिविंग नेबर्स रिमेन अलाइव इन द नेक्स्ट जनरेशन। वो कह रहा है कि अगर कोई लिविंग सेल है, उसके 2 या 2 से ज्यादा, नहीं, सॉरी 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 गाइस, 2 या 3, एग्जैक्टली 3 या एग्जैक्टली 2, अगर ये पर्टिकुलर सेल अलाइव है, 1 है, और इसके नेबर एग्जैक्टली या तो 2, कोई भी 2 नेबर अलाइव है, या 3, एग्जैक्टली 3, तो उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर सेल नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी अलाइव ही रहेगा। ओके, फिर फिफ्थ कंडीशन कहती है, फिफ्थ रूल कहता है कि भैया इफ अ सेल इज डेड, अगर कोई सेल फर्स्ट इस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर मरा हुआ है। ठीक है, हम बना लेते हैं, पहले सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर डेड है, देन इन द नेक्स्ट जनरेशन इट विल बिकम अलाइव, वो जिंदा हो सकता है। कब? इफ इट हैज एग्जैक्टली 3 नेबरिंग सेल्स, अगर इसके एग्जैक्टली 3 नेबर्स अलाइव है, वो कोई भी हो सकता है, या तो ये 3 हो सकते हैं या तो ये 3 हो सकते हैं, कोई भी 3 अगर नेबर इसके अलाइव है, जिंदा है, तो
तो ये पर्टिकुलर सेल अगली जनरेशन के अंदर अलाइव हो जाएगा। सो नो और मोर फ्यूअर, ना तो ज्यादा ना तो कम, दैट आर ऑलरेडी अलाइव, ऑल अदर डेड सेल्स रिमेन डेड इन दी नेक्स्ट जनरेशन। बाकी जो जितने भी डेड सेल्स हैं वो सब डेड रहेंगे, केवल ये पर्टिकुलर सेल अलाइव हो जाएगा। और सिक्स्थ रूल जो कि इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि ऑल बर्थ एंड डेथ्स टेक प्लेस एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। ठीक है, जितनी भी सेल अलाइव हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में या फिर मर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। किसी एक की कंडीशन, कोई एक मरता मरता सेल दूसरे को अगली जनरेशन में, शायद वो ये पर्टिकुलर सेल मर जाएगा अगली जनरेशन में, लेकिन हो सकता है कि ये किसी और सेल को पैदा कर जाए। ठीक है, तो उसकी कंडीशंस, अलाइव होने की कंडीशंस मैंने आपको पहले ही बता दी है कि क्या पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए अलाइव के लिए और क्या पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए डेड के लिए। बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ ऑफ, सो दैट डाइंग सेल्स, सॉरी गाइस, दिस इज SCE सेल्स, कैन हेल्प टू गिव बर्थ टू अनदर। ये जो मरता हुआ सेल है ये किसी और की भी मदद कर सकता है, ठीक है, और उसको बर्थ दे सकता है। बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ ऑफ अदर्स बाय रिड्यूसिंग ओवर क्राउडिंग। लेकिन किसी को बचा नहीं सकता अगर वो ओवर क्राउडिंग का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर ये पर्टिकुलर सेल अगली जनरेशन में मर जाएगा, लेकिन ये ओवर क्राउड इस पर्टिकुलर सेल के लिए ओवर क्राउडिंग की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर सेल को बचा नहीं सकता, इस ये मरेगा ही मरेगा। ठीक है, नोर कैन सेल्स बीइंग बोर्न आइदर प्रिजर्व और किल सेल्स लिविंग इन द प्रीवियस जनरेशन। सो गाइस, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, एक बार इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, फिर मैं और डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। तो इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर हमारे पास में लिविंग सेल्स हैं, येलो आपको अलाइव दिखाता है, वही ग्रे वाला जो पोर्शन है वो डेड सेल को दिखा रहा है। ठीक है गाइस, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इसके ऊपर जाकर ये पर्टिकुलर गेम खेल भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनिशियली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक जो सेल है उसके 8 नेबर्स हैं, ये पहला रूल कहता है कि इसके 8 नेबर्स हो सकते हैं। ठीक है, वही अगर एक पर्टिकुलर सेल, अगर उसका कोई भी नेबर नहीं है या फिर एक ही नेबर है, तो अगली जनरेशन में मर जाएगा। आप देखिए, ये मर गया। ठीक है, मैं फिर से रीसेट करके दिखाता हूँ और आपको इसी में दूसरी कंडीशन, अगर केवल वन ही इसका नेबर है तो अगली जनरेशन में मर जाएगा। तो आप ये देखिए, ये मर गया। ठीक है, ग्रे पोर्शन डेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही मैं आपको एक और दिखाता हूँ, अगर इसके ओवर क्राउडिंग हो गई, अगर 4 या 4 से ज्यादा नेबर अलाइव हैं, ये देखिए इस पर्टिकुलर सेल के 4 नेबर हो गए, 1 2 3 4, या फिर मैं उससे ज्यादा रख सकता हूं, तो ये पर्टिकुलर सेल है ये अगली जनरेशन में मर जाएगा। आप देखिएगा, तो ये जो पर्टिकुलर सेल था वो अगली जनरेशन में मर गया। यहां पर ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि खाली हो गया, हालांकि और न्यू सेल और भी मर गए, लेकिन वो उनकी भी अपनी अपनी कंडीशन रही होंगी। हम फिर से एक बार इसके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन देखते हैं, इसकी पर्टिकुलर की। मैं इसकी अप्रोप्रिएट कंडीशन बनाता हूं आपके सामने। ये देखिए, तो इस ये ओवर क्राउडिंग की वजह से ये पर्टिकुलर सेल मर जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो आप देखिए, ये वाला भी ओवर क्राउडिंग की वजह से मर गया और ये वाला भी ओवर क्राउडिंग की वजह से मर गया, लेकिन ये दो नए सेल पैदा हुए। तो हम देखते हैं ये क्यों पैदा हुए। फिर अगला रूल कहता है आपको कि भैया आपका जो मतलब इसके एग्जैक्टली 3 नेबर हैं, अगर किसी सेल के एग्जैक्टली 3 नेबर हैं, 1 2 3, तो ये एक और यहाँ पर एक नया सेल को प्रोड्यूस कर देगा इस पर्टिकुलर जगह पर, इसको अलाइव कर देगा। तो आप इसको देखिए, तो यहाँ पर एक नया सेल आ गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर एक नया सेल आ गया, आप देख सकते हैं। फिर बाद में इसकी एक और कंडीशन है कि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेल है, अगर इसके
नहीं मतलब एक साथ वो एक चीज को मतलब मार रहा होगा और वहीं उसी टाइम पे वो दो को पैदा भी कर रहा होगा, ठीक है? हम उसको भी देख लेते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन को आपके सामने मैं दिखा देता हूं कि मारना और पैदा करना दोनों एक साथ में हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस स्टडी को लेकर, इस पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर हम चलते हैं। ये देखिए आप, अब ये चूंकि हर एक एक दूसरे से बाउंड है, तो हर एक सेल का एग्जैक्टली थ्री तीन नेबर है, तो इसीलिए वो हर एक जनरेशन में जिंदा है। गाइज ये जनरेशन चेंज कर रहे हैं, आप यहां पर नंबर देख रहे हैं, देख सकते हैं 21, 22, 23rd जनरेशन, 24th जनरेशन, लेकिन ये सारे अलाइव हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली तीन नेबर हर एक सेल के पास में है। तो दिस इज गेम ऑफ लाइफ गाइस, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड होप यू वांट, यू हैव टू एग्जैक्टली यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट बाय योर सेल्फ। एंड अगली वीडियो के अंदर मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा गाइस कि आप इसको इम्प्लीमेंट खुद से कीजिए। जब आप खुद से करोगे तभी आपको थोड़ा सा फील आएगा, और फिर बाद में अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरी वीडियो रेफर कीजिए, ठीक है गाइस? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।